Hey guys, welcome back to my YouTube channel. और आज आप लोग देख रहे हैं वापस से मुझको. और आज का ब्लॉग शुरू होता है एक नॉर्मल सा ब्लॉग, क्योंकि भाई अभी हमने कुछ दिन पहले गाड़ी खरीदी थी. आप लोग को मालूम ही होगा, तो गाड़ी खरीदी थी उसके बारे में हमने कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं. और ये एकदम रैंडम ब्लॉग है. अभी उठे हैं और घर से नीचे उतर आए हैं. गर्मियों में AC चल रहा था, मस्त नीचे आ गए और अभी यहाँ गर्मी में खड़े और ब्लॉग बनाने के लिए तैयार है. तो चलिए आप लोग गाड़ी दिखाते हैं. गाड़ी वैसे भी आप लोगों ने देख चुके हैं, लेकिन उसके बारे में बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. और ये दो ब्लॉग बनेंगे, एक नॉर्मल ब्लॉग जिसमें गाड़ी के बारे में बताऊंगा, ये मतलब ये सब चीज़ें हैं और ऐसा वैसा. और एक बनेगा एक्सेसरीज ब्लॉग, जो एक्सेसरीज का अलग होगा. तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं गाड़ी. सामने है गाड़ी हमारी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अफोर्डेबल गाड़ी हमने आज तक देखी जो इस सेगमेंट में है, वो यही है. और हमने वेरियंट जो लिया है वो 1.7 लिया. 1.7 लेने का रीज़न, 1.7L हमने टेस्ट ड्राइव में यूज़ करी, टेस्ट ड्राइव चलाई, सब कुछ किया, लेकिन उसके जो फीचर्स थे अभी भी थोड़े बहुत कमी थी, जो महिंद्रा को अभी कवर करना चाहिए. थोड़ी बहुत कमी इसमें भी है, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ. लेकिन उसमें ज़्यादा थी, 360 कैमरा नॉर्थ वर्सेस और साइड कैमरा भी, कोई लेन की पेसेस वगैरह ये सब इतना अच्छा नहीं था उसका. और मे बी हमने एक चीज़ और देखी थी उसकी, हाँ स्पीकर थे, सोनी के थे, लेकिन अच्छा था. लेकिन मेरा काम इसमें चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वाला आदमी नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक की नीड नहीं है, तो मुझे इसमें भी मेरा काम चल रहा है. तो चलिए आते हैं गाड़ी दिखाते हैं. गाड़ी में भाई हमको सेम जो आपको टॉप मॉडल में अलॉय मिलता है, सेम वही अलॉय मिल रहा है. 18 इंच का अलॉय है और सेम वही पैटर्न, बहुत प्यारा. तो ये चीज़ मिल रही थी तो मैंने ओके करी. उसके बाद सारा LED मिल रहा है, UV LED मिल रहा है, ऑटो बूस्टर मिल रहा है, हर एक चीज़ है. सिर्फ क्या नहीं है, 360 कैमरा नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर तो उसमें भी नहीं आते, उसमें भी नहीं आते. और बाकी कुछ नहीं, ये एडास का रडार लगा हुआ है, ये एडास का रडार है, वो ऊपर कैमरा लगा हुआ है एडास का, वो भी मिल ही रहा है. एडास भी इसमें सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो एडास ना हो, जो लोग बोलते हैं. बाकी आप पूरा ये सब देख ही सकते हो, डुअल टोन ये मिल रहे हैं, मिरर्स मिल रहे हैं. बाकी हैंडल भाई खुद खोलने वाले हैं, ऑटोमेटिक वाले नहीं हैं. इसको ऐसे करके ऐसे खोलना पड़ता है, फिर बंद हो जाता है, लेकिन फिर से खोलोगे और फिर ऐसे करोगे तो भी बंद हो जाएगा, फिर करोगे ये अटक जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा फिर. और ये सबसे ख़राब चीज़ मुझे आज तक की जो लगी वो यही लगी कि मतलब ये एक बार अगर ओपन हो गया तो पूरी गाड़ी आप चाहे इलाहाबाद से लखनऊ वापस आ जाओगे, ये ऐसे कैसे ही रहेगा. इसको आपको वापस ऐसे करना पड़ेगा. तो इसको पहले बंद कर देते हैं और ये अपने आप. तो ये दिक्कत मैंने देखी, फेस करी कि ये है. और एक दिक्कत अंदर भी है, वो भी बताता हूँ. बाकी सब कुछ ऐसा ही है, पीछे भी वाइपर मिलते हैं, सेंसर्स मिलते हैं. तो बाहर से कुछ गाड़ी ऐसे ही है. और अब शुरू करते हैं पीछे से. सबसे पहले तो भाई 1.7 में हमने 7 सीटर आती है. 7 सीटर में अगर ये दोनों हम ओपन कर दें तो जगह से बचती इतनी यहाँ तक, जो कि सफिशेंट नहीं है बहुत ज़्यादा. लेकिन अगर आपको जैसे मेरे घर पे लोग जो हैं 4 हैं, अगर 5 भी हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं तो भी काम चल जाएगा हमारा. लेकिन 7 लोगों में अगर एक लंबी ट्रिप जा रही है, कुछ जा रही है, तो यहाँ पे इतना नहीं आ पाएगा जितना आप सोच चलोगे. लेकिन अगर 4 लोग चल रहे तो इतना आ जाएगा कि आप रख नहीं पाओगे, ऐसा है. बाकी यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा, पीछे की सीट भी बहुत कम्फर्टेबल है, नो डाउट. मैं तो अभी तक बैठ के बहुत लंबा नहीं आया हूँ. ये है सीट, अभी चल के अंदर बैठा के दिखाएंगे. बाकी ऐसा कुछ है, डिफॉगर है ही है, हर एक चीज़ें है ही हैं. बाकी यहाँ पे इसके अंदर ये मिल जाते हैं टूल्स वगैरह, सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, बैटरी का वो मिल जाएगा, ठीक है. बाकी चलते हैं आप आइए आगे की तरफ. आइए आप भी उधर से आ जाइए. ये दिखाइए. जब मैं मतलब ये सबसे अच्छा फीचर है जो हमको भाई लग्जरी में मिल ही रहा है, तो अब इसमें भी मिल रहा है. और इसमें देखिएगा, आइए और इस पर करिएगा, जो सीट है हमारी स्पीड सीट पे दिखाइएगा, ज़रूर हम खोलेंगे बाद में दिखाइएगा, ठीक है. सीट अपने आप पीछे जा रही है, अपने आप आगे आ रही है. ये होता है वेलकमिंग फीचर, ये जो कि हमको मिलता है इसमें, ठीक है. अब ये देख लीजिए, अब हम वापस बंद करेंगे. आप इधर आइए, इधर से दिखाइएगा सीट को, वापस आपकी पोजीशन पे आइए. तो आप लोग ने अगर देख ही लिया होगा, बाकी बहुत लोग जानते ही होंगे ये सब फीचर इसमें नॉर्मल है. चलिए आइए आप अंदर आइए बैठिए.
गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, इसको कर देते हैं बंद, ऑटो पे लगा हुआ है इसको भी बंद कर देते हैं। तो भाई अभी आ गए हैं गाड़ी के अंदर, अब आपको गाड़ी के बारे में बताते हैं हल्का हल्का। भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे पसीने बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए एसी चला लिया है। थोड़ा अगर आवाज़ में कुछ आए तो भाई इग्नोर करिएगा। तो देखिए ऐसा कुछ है इसका पूरा स्ट्रक्चर, लाइए यहाँ पे हम दिखाते हैं। ये है पूरा इसका स्ट्रक्चर, मतलब जो मतलब स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जो इंफोटेनमेंट सारा डिवाइसेस वगैरह वगैरह हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियमनेस, बहुत ही अच्छा लगता है और लग्जरी का पूरा फील यहाँ पे है। आपको ये सॉफ्ट टच मिलेगा लेदर में, आपको ये भी लेदर में मिलेगा, साइड भी लेदर में मिलेगा, सॉफ्ट टच मिलेगा, आपको मेमोरी सीट मिल जाएंगे। ये मेरे भाई पे अटैच है जो अपने आप ही आगे पीछे हो रही है, और ये मेरे पे है तो ये मैंने करके रखा है मेमोरी सीट पे। और बाकी ये आपको अपना सेट करना है तो यहाँ से कर ही सकते हैं, यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे सारे आपको डिवाइसेस मतलब जितने भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपको हर एक चीज़ यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी, ड्राइव इन्फो से लेके फ्यूल इन्फो और व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइव असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, सारी चीज़ें मतलब एडास वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। अब दूसरा डिफेक्ट मैं बताता हूँ, जैसे ये है आपका ये एप्पल कारप्ले ऑन है अभी, कभी कभी ऐसा होता है ये इतना ग्लिच करता है, मतलब ग्लिच इन द सेंस कि ऑन ही नहीं होगा एप्पल कारप्ले जो है वो कभी कभी ऑन ही नहीं होता है। मैं पूरे रास्ते चलता चला आया ये ऑन नहीं हुआ, मैंने हर चीज़ करके देख लिया ऑन नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब मान लो ऑन किया अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है, सारा टच अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और अलेक्सा भी ढंग से काम करती है, सब कुछ है, मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें ओके हैं। लेकिन एप्पल कारप्ले में कभी कभी ये इशू आता है, अब ऐसा नहीं एंड्रॉयड ऑटो में आता है कि नहीं आता, क्योंकि मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन उसमें ऐसा है। और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। मैंने ऑटोमेटिक प्रेफर किया था, आपकी बार ऑटोमेटिक मिल गया। बाकी यहाँ पे आपको रखने का मिल जाता है, रोटरी डायल मिल जाता है, यहीं से आप सब चीज़ इसको कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एप्पल कारप्ले, मैंने ओपन कर लिया। जैसे ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है, ये मिल जाता है और बहुत सही होता है ये, बहुत अच्छा स्टोरेज है और पूरा कूल्ड है और बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत अच्छा कूल्ड करता है यार ये। बाकी छोटे मोटे फीचर्स जो कि यहाँ पे हटाए गए हैं, जो कि देने चाहिए थे इतनी बड़ी गाड़ी में, 25 लाख 26 लाख की गाड़ी है भाई ये, इसमें आपको ऑटो डिमिंग ये देना चाहिए था, नहीं दिया। बाकी यहाँ पे सारे फीचर हैं लाइट के, ये एक लाइट है, बाकी ये है, ये है SOS है, आप लोग जानते ही हैं। बाकी इधर का साइड भी सेम एग्जैक्ट वही है, स्पेस बहुत है, ये भी बहुत बड़ा है महिंद्रा का, ये हमेशा से है महिंद्रा का बहुत बड़ा ही रहा है, कभी ये लोग छोटा दे ही नहीं पाए हैं आज तक इस चीज़ को। बाकी स्पेस और सब कुछ चीज़ें बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत, मतलब गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आता है भाई, इस गाड़ी को चलाने में बहुत मज़ा आता है, नो डाउट। जितना मज़ा मुझे इसको चलाने में आया, मैं इलाहाबाद लेके गया, उतना मज़ा नहीं आ पाया क्योंकि भाई अब की बार इलाहाबाद का रूट बन रहा है तो अब मैं लेके गया, बढ़िया एवरेज भी निकला, सब कुछ था, लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। 7 लोग को बैठा के भी गाड़ी क्या परफॉर्मेंस दे रही थी, इतनी प्यारी, तो वो सब चीज़ें अच्छी थी। चलते हैं आपको पीछे वाली सीट दिखाते हैं। तो भाई ये आ गया अपनी सेकंड सीट, और सेकंड सीट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इससे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मैंने अभी तक नहीं देखी अपनी लाइफ में, कोई गाड़ी का इतना कंफर्टेबल सीट नहीं देखी। मैं सफारी में बैठा हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठा, लेकिन ये जो कम्फर्ट दे रही है अभी तक मैंने कोई बड़ी गाड़ी में नहीं कहा है। अब मैं उससे बड़ी गाड़ियों की बात नहीं करूँगा कि मर्सिडीज़ और ये वो, मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ जो इसी रेट में आती हैं और इसी सेगमेंट में रहती हैं। ये सबसे बेस्ट सीट मुझे आज तक की ये पीछे वाली लगी है, आगे वाली भी बहुत अच्छी सीट है नो डाउट, लेकिन पीछे बैठने का एक अलग ही मज़ा है। और वो मैं कैसे समझाऊँ, अब ये देखिए ये एक नॉर्मल पोजिशन पर, अभी हम चाहें तो इसको और स्लैंड कर सकते हैं, इतना ये जा सकता है, आप ये सोच सकते हैं। 40-60 स्प्लिट भी है आपका, उधर उतना अलग चला जाएगा, इतना अलग चला जाएगा, बाकी आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। पर जो इसका स्पेस है, अगर मैं इसको पूरा भी पीछे कर लूँ ना, अच्छा खासा स्पेस रहता है। ये मेरे हाइट से अभी है कि ये मेरा हाइट पे अभी सेट है, और ये इतना मेरा हाइट पीछे मैं बैठा हूँ, अभी भी मेरे पास अच्छा खासा है और आराम से बैठा हूँ भाई, सब कुछ एकदम ओके है, हर एक चीज़ एकदम प्यारी, यहाँ पे भी आराम से बैठा हूँ। और ये जो व्यू है बड़ा प्यारा है, इस व्यू के बारे में मतलब बारिश हो रही थी, हम लोग जा रहे थे और इतना खूबसूरत लग रहा था ये इस व्यू में, मतलब मज़ा ही आ रही थी। तो इसमें साथ में गाड़ी चलाना बड़ा बहुत खूबसूरत लगता है। तो ऐसा कुछ है सेकंड वाली सीट, और सेकंड वाली सीट बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो कभी आप मतलब शोरूम पे जाके देख सकते हैं,
अगर किसी को कंफर्टेबल मतलब कंफर्ट देना है तो उसके लिए सेकंड सीट एक्सयूवी 700 की एक नंबर है। चलते हैं, घूम के आता हूँ, वहाँ से आपको लेके जाता हूँ पीछे। तो भाई पीछे जाने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ती है, और मेरे जैसे लोग पीछे आज तक, अभी तक तो मैं नहीं बैठा हूँ, पहली बार आप लोगों के सामने अंदर जा रहा हूँ, और थोड़ा मेरी हाइट ज़्यादा है, 6'1" या 2" हूँ, मुझे भी मालूम नहीं मैं कितना हूँ। तो कुछ ऐसे ही फोल्ड हो जाती है, आप इसको फिर ऐसे ट्विस्ट करके ऊपर कर लो और फिर आराम से ऐसे जाके पीछे चले। और अब जैसे मैं हूँ, मेरे लिए ये सीट नहीं बनी है, ये मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पीछे करके रखी है, अगर इसको नॉर्मल रखेंगे तो मैं बैठ सकता हूँ, बस बैठ सकता हूँ, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर मैं एकदम घुटन, क्योंकि मैं पीछे बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, या तो मैं आगे ही बैठता हूँ, और मैं आगे ही बैठता, मैं कभी पीछे आता नहीं, मैं 20 वाली सीट पे भी आता नहीं हूँ, कभी कभार बैठ जाता हूँ। ये पहली गाड़ी जैसे मैं पीछे बैठ के आराम से आया था आपकी बार, और यहाँ मैं कभी नहीं बैठा, और ना मैं कभी बैठना चाहता, तो इसलिए मैं लोग बता दूँ कि मेरे हाइट जैसे लोगों के लिए और मेरे चौड़ाई जैसे लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल नहीं। चलिए #struggle ज़्यादा ही। गर्मी तो कुछ ऐसी है, गाड़ी को आप लोग देख ही चुके हैं, और सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह ये लोग तो बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं है। अब लग्जरी में क्या डिफरेंस है भाई, मैं बता देता हूँ। 360 कैमरा आ जाता है, जो कि यहाँ पे एक कैमरा मिल जाएगा आपको, लेन का उधर का मिल जाएगा, दोनों इतने लैकी हैं कि गाड़ी निकल जाएगी तब आपको वो दिखा रहा होगी गाड़ी जा रही है, इसलिए नहीं पसंद आया। 360 बिल्कुल बेकार था, नेक्सॉन हुंडई का 360 तब भी बहुत बेटर है, उसका 360 बहुत बेकार था। यहाँ पे आपको जो आपको यहाँ पे मैनुअल दिख रहा है हैंड ब्रेक, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बस ये अंतर है, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन चलो ठीक है, इसकी इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है जिसके लिए 3 लाख रुपए दिया गया। बाकी वायरलेस चार्जर है उसमें, वो तो मेरे में भी है, अभी आपको बताते हैं कैसे है। प्लस और क्या है हाँ, 12 स्पीकर सोनी के स्पीकर लगे हैं, 12 स्पीकर उसमें लगे हुए हैं, इसमें 6 हैं, और जो कि मेरे लिए बहुत परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई कमी है, एकदम परफेक्ट चलता है, नो डाउट। और क्या है, और कुछ नहीं है भाई, सब कुछ हो गया A to Z भाई, इतना ही है, बहुत लग्जरी में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो इसमें नहीं है, यही चीज़ें थी जो आप लोगों को बताया, और यही है, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं बची। प्लस एड्रेनॉक्स भी प्लस हमको मिल ही जाता है, आप लोग जानते होंगे AX5 AX7 और AX7L में एड्रेनॉक्स है ही है, तो एड्रेनॉक्स मिल जाता है, फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने आप ही, ऑन कर लेता हूँ इसको। बस यही है आज का ब्लॉग, और ये आपकी गाड़ी, और आपको अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। गाड़ी मेरी तरफ से जो मैं बताऊँगा अभी एक्सपीरियंस मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा, 20 दिन हुए हैं मुझे, लेकिन अभी तक का और आगे हमेशा का मुझे लगता है कि बेस्ट गाड़ी आज तक की हम लोगों ने खरीदी है, और इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।